ਮ ਗਿਆਨ ਤਿਮਰਾੰ ਦਸ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਜਨ ਸਲਾਕਯ ਚਕਸ਼ੂਰ ਨ ਮਿਲਿਤੰ 에ਨ ਤਸਮੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਵੇ ਨਮਹਾ ਤਸਮੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਵੇ ਨਮਹਾ ਮੂਕੰ ਕਰੋਤੀ ਵਾਚਾਲੰ पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवमहेश्वरा गुरुर्साक्षाद् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुर्वे नमः जयगोपाल ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी ओम शांति 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 जय गोपाल आई सत्संग प्रेमी जनों गीता का रसपान कीजिए श्रीमद् भागवत गीता के नवे अध्याय में भक्ति रस पान कीजिए इसमें भक्ति का रस है जिसकी वर्षा हो रही है भक्ति रस वर्षा इस वर्षा में स्नान कीजिए पान कीजिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिन प्राणियों के हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं वो भला मुझे प्राप्त कैसे होंगे कभी नहीं जिन भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है उन्हीं को भगवान की प्राप्ति होती है जो व्यक्ति धर्म के विषय में जानते ही नहीं उनको भला भगवान की प्राप्ति कैसे होगी धर्म क्या है भगवान को जान लेना भगवान की सेवा करना भगवान की शरण में रहना और अपनी आत्मा की भावना को भगवान के प्रति प्रेम पूर्ण करना यानी प्रेम से भरना ही धर्म है इस धर्म को प्राप्त करने के लिए ही अनेकों धर्म किए जाते हैं दान किए जाते हैं पूर्ण किए जाते हैं यज्ञ किए जाते हैं या विभिन्न सेवाएं की जाती हैं विभिन्न तरीके से केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान को जानने के लिए भगवान की धाम को जाने के लिए भगवान की ओर जाने के लिए अपने आप को पहचानने के लिए जब मनुष्य ब्रह्म स्तर पर पहुंच जाता है ये धर्म है धर्म सत्य का नाम है सत्य को ही धर्म कहा है धर्मराज जो सत्य न्याय करता है उसे धर्मराज कहा है कहा है तो ये धर्मराज धर्म शब्द क्यों दिया है क्यों सत्य न्याय करता है जो सच्चाई है वो धर्म है तो सच्चाई को सच्चाई तक पहुंचने के लिए हम कोई सहारा लेते हैं दान का पुण्य का सेवा का इत्यादि तप का ज्ञान का कर्म का तो ये सहारे लेकर के हम उस धर्म को पहचानना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं धर्म के विषय में जो व्यक्ति जानते ही नहीं वो मुझे कैसे प्राप्त करेंगे जिनके हृदय में श्रद्धा ही नहीं वो मुझे कैसे प्राप्त करेंगे उनको तो बार बार ये जन्म मरण जरा व्याधि में ही रहना पड़ेगा मृत्यु के मुख में बार बार जाना पड़ेगा सब कुछ छोड़कर सारी जिंदगी कड़ी मेहनत करेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे बैंक बैलेंस बनाएंगे पद प्रतिष्ठा बनाएंगे सुंदर नारियों के साथ व्यवहार करेंगे पुत्रों से सेवा लेंगे और फिर ये शरीर बुढ़ापे में जाएगा बुढ़ापा आएगा फिर इसके बाद तो मृत्यु ही आएगी तो मृत्यु के ग्रास बन जाएंगे सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएंगे फिर भूल जाएंगे अगले जन्म में कि पिछले जन्म में हमारा कौन था हम क्या थे फिर इस जन्म में फिर एक बच्चा बनकर के माँ के गर्भ से आएंगे उआ उआ करेंगे फिर एक नया जीवन शुरू करेंगे नए एक नए खिलौनों से खेलेंगे हा हा हु, हु करेंगे जवानी में फिर इधर उधर का दंद फंद करेंगे एक शादी करेंगे कुछ बच्चे पैदा करेंगे उनके पीछे सारा जीवन लगा देंगे और फिर यानी हर प्रकार से अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करेंगे संसार में तरक्की करने के लिए लेकिन धर्म को नहीं पहचानेंगे धर्म क्या है मैं कौन हूं कहां से आया हूं क्या मेरे कर्तव्य हैं किन कर्तव्यों को करके मैं सुखी बन सकता हूं ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे वो धर्म को कैसे पहचानेंगे धर्म को नहीं पहचानेंगे श्रद्धा जिनके हृदय में नहीं होगी वो तो मृत्यु के ग्रास बनेंगे इस प्रकार से भगवान ने कहा फिर इस श्लोक में पांचवा श्लोक नौवे अध्याय का है भगवान कहते हैं कि नैचे मतस्थानी भूतानी पश्चिमे योगम ऐश्वरम भूतभृन्न चूतस्थो मम आत्मा भूत भावना भगवान कहते हैं कि अर्जुन मेरे मेरी योग योग शक्ति तो देख जिस योग शक्ति के बल से मैं तमाम अनंत सृष्टि करता हूं तमाम ब्रह्मांड बनते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं तमाम पालन पोषण मेरी मेरी जिम्मेदारी है मेरे हाथ में है सबका पालन पोषण करता हूं माम की प्रलय करता हूं मतस्थानी चे भूतानी न मतस्थानी भूतानी पश्चिमे योगम ऐश्वरम लेकिन ये जितने भी अनंत ब्रह्मांड हैं, अनंत सृष्टि है भगवान की अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में ही हजारों हजारों ग्लाक्सीज हैं एक ही ब्रह्मांड अभी तो ब्रह्मांड का पार नहीं पाया है वैज्ञानिकों ने जिस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ प्लानेट ब्रह्मा जी का है वहां ब्रह्मा जी की आयु सौ वर्ष की है वो कितने सूर्य प्रकाश माइल दूर होगा हमसे इन वैज्ञानिकों को पहुंचना बड़ा मुश्किल है वहां पर उस जानकारी के लिए 311 ट्रिलियन और ४०० बिलियन वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की उस उनके सौ वर्ष पूरे होते हैं जब हमारी पृथ्वी के ३११ ट्रिलियन और ४०० बिलियन वर्ष हमारे पूरे होते हैं तब ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी के सौ वर्ष पूरे होते हैं <lifesação> हमारे ३११ ट्रिलियन ४०० बिलियन वर्ष में ब्रह्मा जी के सौ वर्ष पूरे होते हैं चार अरब और बीस करोड़ वर्ष हमारा जब होता है इस पृथ्वी पर तब जाके ब्रह्मा जी का एक ही दिन होता है ये इस ब्रह्मांड की कथा है ये ब्रह्मांड इतना विस्तार पूर्ण है और भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा है ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी ब्रह्मांडों में ये ब्रह्मांड जिसमें आप रह रहे हैं चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड है इसलिए मुझे चतुर्मुखी ब्रह्मा की ही आवश्यकता है इस ब्रह्मांड में लेकिन बहुत से ब्रह्मांड बहुत विस्तार वाले हैं जिनमें मुझे कई सौ मुखी ब्रह्मा चाहिए कई हजार मुखी ब्रह्मा चाहिए कहीं दस हजार मुखी ब्रह्मा चाहिए कहीं एक लाख मुखी ब्रह्मा चाहिए और किसी किसी ब्रह्मांड में तो मुझे एक करोड़ मुख वाले ब्रह्मा की आवश्यकता होती है वहां पर एक करोड़ मुख वाला ब्रह्मा है इतनी बड़ी क्रेटर एनर्जी का ट्रांसफार्मर है यानी ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी सृष्टि करता है क्रिएटर एनर्जी एनर्जी संहार करता शिव भगवान है उस इस ब्रह्मांड की इतने विशाल ब्रह्मांड को शंकर भगवान नष्ट करते हैं प्रलय महाप्रलय के समय पालन पोषण करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण गर्भोदय विष्णु स्वरूप से ये ब्रह्मांड में विराजमान है वो ही क्षीरोदक्षाई विष्णु सब प्राणी मात्र के हृदय में परमात्मा स्वरूप से विराजमान है आत्मा के भीतर परमात्मा आत्मा के हृदय में परमात्मा आत्मा के हृदय में हृदय यानी सेंटर, मध्य आत्मा के मध्य में आत्मा एक छोटा सा कण है उसके भी मध्य में उसके भी हृदय में भगवान है परमात्मा स्वरूप से इसलिए हमारे कर्मों की वो साक्षी हैं हमारे विचारों की हमारी भावनाओं के वो सदैव साक्षी है इसलिए हम कुछ भी कर्म करते हैं विचारों से कर्म करते हैं या वाणी से कर्म करते हैं या शरीर फिजिकल से कर्म करते हैं उसका हमको रिएक्शन होता है उसका प्रतिफल होता है हम फल आता है उस कर्मों का अप्रब्ध फलम पापम कुतम बीजम फलोन्मुखम क्रमे न प्रियते विष्णु भक्ति रतात्मनाम जो भगवान विष्णु की भगवान कृष्ण की परमेश्वर की भक्ति में जो रत होते हैं उनके पिछले जन्मों के इकट्ठे संचित पाप और इस जन्म में जो किए हैं वो सारे पाप क्रमे ने यानी सने, सने सने सब जल जाते नष्ट हो जाते हैं भक्ति की ऐसी महिमा है पापों का हमको प्रतिफल आता है कष्ट आते हैं दुख आते हैं बीमारियां आती है एक्सीडेंट होते हैं अपने प्रिय की मृत्यु घट जाती है अपना जन्म कुत्ते बिल्लियों में चला जाता है शाप वसी तो इंद्र को बन के नीचे आना पड़ा धरती पर शाप वसी तो चंद्रमा को दाग लगे हैं ये कर्मों का फल है कर्मों के फल से आदमी जेल में सड़ता है जीवन भर या सूली के तख्ते पर चढ़ता है या उसको घटना स्थल पर ही उड़ा दिया जाता है ब्लास्ट कर दिया जाता है कर्मों का फल है कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो कर ही तसफल चाखा कर्म प्रधान है कर्म ही प्रधान है कर्म से ये शरीर क्या है ये कर्म किए उसका फल है कहीं के हम जीवन भर कर क्या रहे इस शरीरों को ये शरीर को व्यवस्थित कर रहे हैं और अगला शरीर बना रहे हैं जीवन भर आप जो भी कर रहे हैं आप अपने अगले शरीर के लिए प्रेपरेशन यानी तैयारियां कर रहे हैं और ये शरीर को सुरक्षित कर रहे हैं ये शरीर चाहे आपकी पत्नी हो बच्चे हो पिता माता हो रिश्तेदार भाई हो देशवासी हो कोई भी हो शरीरों की इन शरीरों की सुरक्षा कर रहे हैं इनको आनंद दे रहे हैं और अगले शरीर के प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके कर्मों से अगला शरीर तैयार हो रहा है बीज रूप से उसी को कारण शरीर बोलते हैं वही कारण शरीर जो है स्थूल का कारण है स्थूल शरीर मिलता है अगला शरीर मिलता है कर्म यदि हम भगवान के लिए करेंगे इसको भक्ति कहते हैं ये भक्ति आपको ये अशुभों से मुक्त कराती है जन्म मरण जरा व्याधि ये सब अशुभ है बीमारी शुभ है अशुभ है मृत्यु शुभ है अशुभ है तो फिर जन्म कैसे शुभ हो सकता है हालांकि जन्मदिन मनाते हैं लेकिन जन्म भी अशुभ है जन्म लेके भी क्या करेगा यदि भगवान की भक्ति नहीं करी तो जवान होकर भी क्या करेगा यदि भगवान से प्रेम नहीं बढ़ाया तो भगवान कहते हैं ये अनंत सृष्टि की रचना मैंने की है लेकिन मैं इस सृष्टि में नहीं हूं सृष्टि से अलग हूं ये तमाम सृष्टि मेरे अंदर नहीं है मैं अलग हूं मैं इसका रचियता हूं फिर भी मैं इससे अलग हूं ये सारे भूत प्राणियों के अंदर मेरा वास है फिर भी मैं इनसे अलग हूं तो भगवान का अंश रूप से जो विष्णु भगवान क्षीरो दक्षाई विष्णु ये परमात्मा स्वरूप से सबके आत्मा में है लेकिन भगवान जो परम भगवान है जो परम विष्णु है श्री कृष्ण वो इन सबके अंदर नहीं है उनका अंश ही सब प्राणियों के अंदर है उनकी एनर्जी एटम तक में है एक कण तक में कण कण में भगवान क्या मतलब इसका भगवान की जो एक्सटर्नल पोर्टेंसीज है बहिरंगा शक्तियां यानी मैटेरियल नेचर वो सबके अंदर है एटम में भी है कण में भी है कण तोड़ा तो विस्फोट हुआ तभी तो ये एटम बम बना अणु बम बना वो अणु को तोड़ने से एक अणु दिखाई नहीं देता दूरबीन से भी बड़े आ, ब, बड़ी दूरबीन से भी आठ सात अणुओं को एक साथ इकट्ठा किया जाए तब कहीं दृष्टिपात होता है कि कोई वस्तु पड़ी है कोई अणु है आठ सात इतना छोटा होता है उसमें भी भगवान की शक्ति है तब वो इतना विस्फोट होता है इसलिए कहा है कि कण कण में भी भगवान है भगवान कहते हैं कि मैं सबके अंदर हूं फिर भी मैं अलग हूं क्योंकि वो अलग है उनकी मुरली अलग ही बचती है वो परमेश्वर है वेशधारी भगवान श्री कृष्ण ग्वाले के रूप में उनका परम विवेश है उनकी जो वेशभूषा है ग्वाले की है वो अपने परम धाम में भी गोचारण करने जाते हैं उनका वही आनंद है अपने भक्त ग्वालों के साथ उनका वो परम स्वभाव है परम आनंद है भगवान कहते हैं कि इस तमाम सृष्टि को का सृजन मैं करता हूं फिर भी मैं इस सृष्टि में नहीं हूं इससे अलग हूं डेफिनेट अलग है बैकुंठ जगत के धामों का सृजन भी वो ही करते हैं लेकिन उनमें भी वो नहीं है वो वो भी अलग है अपने धाम से भी वो अलग है उन्होंने कहा है धामम परमम ममा न तद भाष्यत ये सूर्यो न शशांको न पावका यद गा निवर्तन थे तद धाम परम मेरा धाम है उसके अंदर मैं थोड़ी हूं